भाई जी की रोटी लेके आए, अब हम यहाँ परोस लेंगे। देखो इस तरह से परोस है, कितनी लंबाई होती है इस तरह से, एकदम है ना, कितनी पतली है, इसलिए इसे ज़्यादा लाइक करती हूँ। इस तरह से बहुत ही पतली रहती है, आज हम लंबी रोटी लेने के लिए आ रहे हैं। पहले ऑर्डर दिया था और अब हम देखते हैं कि लंबी रोटी किस प्रकार बनाई जाती है। यह महाराष्ट्र में जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत ही फेमस है, और यहाँ से हमने 20 साल के मेरे जो बड़े भाई हैं उनके यहाँ से हमने बाई लेके गए थे वहाँ पे, और वहाँ जाके जो यहाँ की महिलाओं ने चिकन मटन और वो लंबी रोटी बनाया था, तो वो स्वाद आज भी उनके मुँह में है, और आज भी इसके संदर्भ में वो बात करते हैं। और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार हमें वीडियो भेजिए, जैसे फाइव स्टार होटल के जैसे खाना होता है ना, जैसे फूड कल्चर दिखाना चाहते हैं हम, तो इस फूड कल्चर में यह महत्वपूर्ण फूड है, और नागपुर में तो इसे बहुत पसंद किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ किस प्रकार ये लंबी रोटी बनाई जाती है। और आपका नाम बताइए पहले। कांबड़े मैडम, जो जिन्हें हम मुंबई लेके गए थे ना, तो उनकी बहू है या बेटी है आप? बहू। ओके, तो इसके लिए क्या प्रमाण लिया जाता है? और दूसरी प्रोसीजर है वो जो उसको गूथा जाता है और बड़े पैमाने पर उसे पटकना पड़ता है। आपका नाम क्या है भाई? आरती डोनारे। तो एक कितना समय लेता है इस तरह से आटा गूथने में? एक घंटा लग जाता है ना, इतना सॉफ्ट होने के लिए। करीब से देखेंगे, देखिए कितना सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से तैयार की हुई है लंबी रोटी। इस तरह से मतलब तीन माट मटके के ऊपर यह बनाए जा रहे हैं। और एक पायली में कितना आता है? एक पायली में 25 रोटियां। 25 रोटियां।
कैसे पायले दिली, कैसे दिया? 160 रुपये पायले। ये एक आर्ट है एक्चुअली, इस तरह से हमें भी कभी बनाना नहीं आया अभी तक, प्रयास किया था लेकिन हमसे नहीं हुआ। इस तरह से हाथ में लिया जाता है और देख किस तरह से एकदम पतली होती है पेपर की तरह, आप पेपर रोटी भी कह सकते हैं, हम कहते हैं लंबी रोटी, और दूसरा नाम क्या है? रानी रोटी। रानी रोटी यह है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाने वाली लंबी रोटी, जिसे रांजनी रोटी भी कहते हैं, और ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में फूड कल्चर में बहुत ही फेमस रोटी है, इसे लंबी रोटी भी कहा जाता है, और यह इस तरह से बनाई जाती है। इसका एक शेप सर्कल होता है, सर्कल में होता है, और यह एक दूसरा सेफ है, यह लंबा होता है। हेलो हेलो, और इस तरह से महीम आटा बनाया जाता है, और यह महीम आटा उस तरह से पटकने से होता है ना, एक घंटा ये लोग इसे पटकते हैं, उसके बाद कहीं वह महीम आटा तैयार होता है। यह आपने देखा कि किस प्रकार महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में इस तरह का डिलीशियस फूड निर्माण होता है, और दूर दूर तक जैसे मुंबई है, मेरी सिस्टर इनला कनाडा में रहती है, उसने यहाँ से 8 पायली का लेकर गई थी, वो कह रही थी कि फ्रिज में रखेंगे और 2-4 दिन खाएंगे, उन लोगों को भी पसंद, जैसे कनाडा जैसे देश में वो लेकर गए, कनाडा जैसे कंट्री में देखा जाए तो ये फूड वहाँ मालूम ही नहीं है उन लोगों को, लेकिन मेरी सिस्टर हिला नागपुर से ही है, इस वजह से उन्होंने वहाँ भी यह फूड लेकर गई और वहाँ के लोगों को खिलाया। हाँ, इस रोटी की घड़ी कैसे की जाती है ये देखो, इस तरह से टाइम्स, कौन सा पेपर है, इस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इनका आर्टिकल छपा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 2012 से, इसके पहले से काफ़ी 20-25 सालों से यहाँ से हम रोटी लेके जाते हैं, और कनाडा तक इनकी रोटी फेमस हुई है, और मुंबई में भी
यह जो कामली मैडम है उन्हीं और उनके साथ दो तीन महिलाएं हम लेके गए थे, तो वहाँ के शादी में भी काफ़ी इस तरह से गूंथते हुए आटा गूंथने में ही काफी मेहनत लगती है। हो का कैसे पायली दिया, रेट क्या है इसका? 160 रुपये रेट, अच्छा है, रिजनेबल रेट। तुम्हें खुद पसंद है या नहीं लंबी रोटी, तुम्हें नहीं पसंद? अरे अब नॉनवेज के साथ भी नहीं लेती, रस के साथ भी नहीं लेती। यहाँ काफी दिन भर ग्राहक आते हैं ना, दिन भर ग्राहक आते हैं, यहाँ दिन भर ग्राहक आते हैं क्योंकि इतना फेमस है। यह है लंबी रोटी की खासियत, महाराष्ट्र की पॉपुलर डिश। सवेरे कितने बजे चालू हो जाता है यहाँ, सवेरे कितने बजे? रात्रि 2:00 रात को 2 बजे से चालू हो जाता है इनका काम, तो शाम तक चलता होगा, रात को 10 बजे तक चलता होगा इनका काम, ऐसा इनका मानना है। और यह भी डेली काम है, और आज संडे है तो ज़्यादा मात्रा में जा रही है रोटी संडे के वजह से, हाँ इसलिए, क्योंकि संडे आज नॉनवेज के साथ ज़्यादा खाई जाती है, और उसके बाद अब समर है तो समर में मैंगो के साथ, मैंगो रस के साथ भी बहुत बढ़िया लगती है, बहुत टेस्टी होती है रोटी, और ज़्यादा मात्रा में समर में मैंगो के साथ भी खाया जाता है। हमने जो ऑर्डर दिया था उसके लिए थोड़ा रोकना होगा, और इसीलिए हम यहाँ बैठ गए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार यह लंबी रोटी ये महिलाएं यहाँ बनाती है। बहुत मज़ा आ रहा है देखकर, घर में कभी हम ट्राई करने लगे तो इतनी मेहनत तो नहीं कर पाएंगे जितनी मेहनत ये महिलाएं कर रही हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ गेहूँ, स्पेशल गेहूँ का निर्माण होता है क्या? लोकवन गेहूँ, यह कह रहे हैं कि लोकवन गेहूँ से ही, लोकवन गेहूँ से ही यह रोटी बनाई जाती है, यानी कि इतना महीन आटा बनाने के लिए लोकवन गेहूँ की ज़रूरत होती है।
हाथ को लगाने के लिए इस प्रकार का ऑयल और ये मटका। ब्यूटीफुल वर्क। इस प्रकार लंबी रोटी की घड़ी की जाती है। एक सर्कल में है और एक लंबी है। नाइस वर्क। देखो कितनी पतली है, जैसे पेपर की तरह। ऑर्डर दिला होता काय नाव? देखो इस तरह से सख्त आता रहता है पहले, फिर महीन बनाने के लिए इस तरह से पक्का जाता है। सारी चीज़ें और बसर ये हम इस तरह से एक पायली की रोटी लेके आए। अब हम यहाँ परोसेंगे। देखो इस तरह से कारण है कितनी लंबाई होती है इसकी। ये इस तरह से कभी आराम से खुली जाती है। इस तरह से एकदम है ना, इतनी पतली है इसलिए इसे ज़्यादा लाइक करती हूँ।
तरह से बहुत ही पतली रहती है। आम रस के साथ भी ले सकते हैं, या जिन्हें नॉनवेज पसंद है तो नॉनवेज के साथ ले सकते हैं। अब हम आम के साथ लंबी रोटी का स्वाद ले रहे हैं। टेस्ट होता है आम का भी, अच्छा टेस्ट होता है तो हमें पता ही है। तो लंबी रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे नॉनवेज के साथ भी अच्छा लगता है। कुछ लोग नॉनवेज के साथ बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ लोग जो मीठा खाना पसंद करते हैं वो रस के साथ भी पसंद करते हैं। इस प्रकार हम आज रस के साथ लंबी रोटी का आस्वाद दे रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। आम रस हमारा यह वीडियो जो आज बनाया खास आपके लिए, आम रस और लंबी रोटी का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कुछ कमेंट करें कि लंबी रोटी किस प्रकार बनाई जाती है, इसके लिए जो हमने वीडियो बनाया, तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।